नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने खुद को निगम अधिकारी बताकर बिल्डिंग मालिक से पैसे वसूलने वाले चार लोगों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग में मारे गए नौजवानों के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल, पारिवारिक सदस्यों के साथ किया दुख साझा। नाबालिग कैदियों और बंदियों की पहचान के लिए जिला सेशन जज अमृतसर ने किया जेल का दौरा, कैंटीन व कैदियों को दिए जाने वाले खाने का भी लिया जायजा। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए खुद को नगर निगम अधिकारी बताकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले चार सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चतर सिंह निवासी ढिलवाने सनी महेंद्रू, अजय कुमार मिष्टी और मनप्रीत सिंह के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ये चारों खुद को जालंधर नगर निगम का फील्ड अधिकारी बताकर उसके निर्माणाधीन घर पर आए थे। स्वपन शर्मा ने बताया कि इन ठगों ने चतर सिंह से कहा कि भवन निर्माण की कोई अनुमति नहीं है और इसे गिराने की धमकी भी दी, जिसके बाद उन्होंने 10,000 रुपयों की मांग की, जिसके बाद उसने उन्हें 5,000 रुपये दिए। स्वपन शर्मा ने बताया कि हालांकि शुरुआती भुगतान के बाद इमारत के मालिक को धोखेबाजों के व्यवहार पर संदेह हो गया, जिसके कारण उन्होंने तुरंत ईआरएस टीम और पुलिस स्टेशन को फोन किया, जिसके बाद पुलिस बल ने तुरंत चार सदस्यीय गिरोह को पकड़ लिया, जिनकी पहचान मनप्रीत सिंह निवासी मोहल्ला नंबर 170 बी अवतार नगर, सनी महेंद्रू निवासी मकान नंबर 55 न्यू बलदेव नगर किशनपुरा जालंधर, अजय कुमार निवासी तेल वाली गली छोटा अली मोहल्ला जालंधर और मिष्टी निवासी मॉडल हाउस जालंधर के रूप में हुई है, जिनके पास से 5,000 रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस संबंधी थाना रामा मंडी जालंधर में आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है और विवरण बाद में साझा किया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये अपना घर दी उसारी कर रहा सीगा, ओदे विच परसों दिन कुछ व्यक्ति इहदे घर आए, जो कि अपने आप नूं म्यूनसिपल कारपोरेशन दे फील्ड ऑफिसर दसदे होए उन्हूं दस के गए कि तेरे घर की उसारी जिहड़ी है गलत तरीके नाल कर रहे हैं, तेरे कोल रिक्वायर्ड परमिशनस नहीं है। उस वक्त इस जिहड़ा चतर सिंह सीगा उह घर हाजिर नहीं सीगा, ते उहदे फादर नूं इह व्यक्ति अपना फोन नंबर दे गए ते उहनूं कह के गए कि सानूं इस नंबर दे उत्ते कॉन्टैक्ट कीता जावे। कल सवेरे जदों चतर सिंह ने इन्हां बंदिआं दे नाल अपना तालमेल कायम कीता ते उन्होंने दसिया कि सानू इस जगह दे उत्ते इस नंबर दे उत्ते आके सानू शहर मिल। उन्हें दसिया कि मैं अपनी वाइफ नू लैके दादा हॉस्पिटल पठानकोट चौंक जा रहा हाँ, तो उन्होंने एक अर्ज उत्थे काली पाई कि सानू इत्थे ही असी आ जाने हैं, असी भी इसे एरिए दे विच फिर रहे हाँ, तो असी तेनू इत्थे ही आके मुलाकात करते हैं। जब ये व्यक्ति चतर सिंह नू मिले तो उन्होंने उन्होंने डराया धमकाया तो कहा कि तेरे को रिक्वायर्ड परमिशनस नहीं हैं उसारी करन दियां, तेरे को एनओसी नहीं है डिपार्टमेंट की, जिहड़े जो कि तेनों एक कागज़ पत्र पूरे करन वास्ते 2.5-3 लाख रुपया जिहड़ा लगेगा, पर क्योंकि तेरे को कागज़ पत्र नहीं हैं सो ये उसारी जिहड़ी है तेरी ढा दिती जाएगी। जिहड़ी कि इन्हां चों एक लड़की जिहड़ी सीगी मिष्टी नामक, उन्होंने उन्होंने अपना फील्ड ऑफिसर दसिया ते दसिया कि इहदे अंडर ही ये सारा उसारी का करण अते ढाउण दा काम है। सो हुणे ऑर्डर असी ये मैडम ने कर दिते ते तेरा शाम तक ही असी ये सारी उसारी ढा देनी है। उत्थे इन्हां ने उहदे कोलों 10,000 रुपये की मंग की कि सानू 10,000 रुपया दे ते तेरा मसला इत्थे ही रफा दफा कर दिंदे आ। जदों ये गलबात हो रही सीगी ते मुदई नूं इन्हां दी गल्लां बातां तों इन्हां ते शक होना शुरू होया, उन्हें 5,000 रुपये ते इन्हां नूं अदा कर दिते, लेकिन नाल ही उत्थे जिहड़ी साडी पीसीआर सीगी उन्हें इनफॉर्म किया, जो पीसीआर ने तुरंत मौके पर आके ये चारों जो व्यक्ति सीगे नाल ही साडा मुदई ये सारियां नूं लैके थाने आ गए। थाने आके जदों इन्हां दे कोलों पुछ पड़ताल की गई तो समझ आया कि ये जिहड़े चार व्यक्ति ने ये किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कारपोरेशन नाल संबंधित नहीं हैं, इन्हां कोल कोई राइट नहीं सीगी कि ये किसी भी व्यक्ति कोल जाके उहदे कोलों इहो जी एनओसी बारे
या कोई भी उहदी उसारी बारे गलबात करन, ये सिर्फ ते सिर्फ उन्हूं ठगना चाहुंदे सन, उन्हूं डरा धमका के उहदे को पैसे कढवाउणा चाहुंदे सन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गत दिनों आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग कर दो नौजवानों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये दोनों नौजवान अमृतसर के क्षेत्र अचनाला के गांव चमियारी के रहने वाले थे, जिनके घर कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक नौजवान अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह के घर में जाकर पारिवारिक सदस्यों के साथ दुख साझा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से पंजाब सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपयों के चेक अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह के परिवार को सहायता के रूप में दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दोनों परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा करने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे पंजाब सरकार की ओर से इन परिवारों को अधिक से अधिक सुविधाएं दिलाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चमियारी पिंड सारे जने खड़े इस वेले, तुहानू पता कि श्रीनगर के बड़ी दुखदायक घटना वापरी है। इस पिंड के साढ़े दो नौजवान जड़े राती उत्थे हिट हो गया। जिनी जानकारी मिली है, जिनी अजे पूरी तो जानकारी नहीं, जिनी जानकारी मिली है कि अतवादियों की गोली दे नाल शहीद हो गए। ये बच्चे जेडे लक्कड़ का कम करते हैं साडे इस इलाके चो, बहुत सारे मुंडे जो सियाल लंघदा इन्हां दिनां दे विच लक्कड़ का कम करन उत्थे जांदे आ, 7-7, 8-8 महीने रह के फिर आउंदे। ये भी बेचारे अजे गए ही घर भी नहीं पहुँचे जिथे रहिंदे सीगे। सो मैं एक तो अपने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों अफसोस करना है, अफसोस किया परिवार के नाल, और उन्होंने कहा कि टैररिस्ट विक्टम के जिन्हिया भी पंजाब सरकार सहूलत देंदी इस परिवार को आप देवे, और 2 लाख का चैक अज मुख्यमंत्री साहब जी ने भेजा कि 2 लाख का चैक कलीब दे के आओ, तो उस करके भी मैं आया। सो अफसोस प्रगट करना है, आप परिवार के नाल बिल्कुल खड़े हैं। परिवार ने बेचारे ने की गल कर दिया, परिवार तो बेचारा वो नित्था हो गया हले इस वेले, तो सर वो जिन्हें दुखी आ, ना तुम हो सकते हो ना मैं ही उन्ना दुखी हो सकता, उन्होंने पुत्र गया। अमृतसर जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की ओर से केंद्रीय जेल में नाबालिग कैदियों और बंदियों की पहचान हेतु जेल का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने जेल में तैनात डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को हिदायतें दी कि जेल में से नाबालिग कैदियों की पहचान उनका रिकॉर्ड और शारीरिक मापदंडों से लगाकर नाबालिग कैदियों की सूची तैयार की जाए, ताकि इन्हें जेल से बाल सुधार घर में तब्दील किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने कैदियों को दिए जाने वाले खाने की जांच खुद खाकर की। इसके अलावा उन्होंने कैंटीन का दौरा कर सफाई तथा अन्य प्रबंधों का जायजा भी लिया। तो वहीं उन्होंने कैदियों के साथ भी खुलकर बातचीत की और जेल प्रबंधों के बारे में उनके विचार जाने। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा, साफ सफाई, प्रॉपर स्टाफ की देखरेख की जांच के पुख्ता प्रबंधों का जायजा लेने सरकारी अस्पताल बरनाला में डायरेक्टर पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन अनिल गोयल अचानक चेकिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान अनिल गोयल ने बरनाला के सरकारी अस्पताल जच्चा बच्चा और एमरजेंसी वार्ड में जाकर स्वास्थ्य सहूलियत और साफ सफाई प्रॉपर स्टाफ की देखरेख की जांच के पुख्ता प्रबंधों का जायजा लेते हुए पूरे स्टाफ से बातचीत की और साथ ही मरीजों का हाल चाल जान उनसे भी बातचीत की। इस अवसर पर डायरेक्टर अनिल गोयल ने बताया कि बरनाला का अस्पताल काफी हद तक सही पाया गया है और इसमें कुछ कमियां हैं, उसे भी एसएमओ की नजर में ला दिया गया है और जल्द ही उसका भी सुधार करवा दिया जाएगा। तो वहीं डायरेक्टर द्वारा चेकिंग के दौरान कुछ कमियां पाई गई तो स्टाफ की कुछ खिंचाई भी की गई और उन कमियों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। गौरतलब रहे कि पंजाब सरकार के बड़े फैसले के 26 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में हर तरह की दवाइयों की लिस्ट जारी कर दी गई है, ताकि कोई भी दवाई मरीज को बाहर से ना लेनी पड़े। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी, डायरेक्टर पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन। अज जो सा जिला अस्पताल है, इसमें देखने लिए आया
और बड़ी माण वाली गल है कि जिहड़ा साडा बरनाला दा होस्पिटल है नैशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफाइड होस्पिटल है और जिस कारण इस नूं हर साल केंद्र सरकार वल्लों भी इनाम दिता जांदा। इत्थे साडे दो डिवेलपमेंट दे कोल प्रोजेक्ट चल रहे सीगे, इक तां जिहड़ा पुराना होस्पिटल है उहदे विच रेनोवेशन सी, इक साडा नवां एमसीएस सेंटर है जिहड़ा कि हले उसारी अधीन है, ते जिहड़ा उहदे रेनोवेशन दा कम सी उह लगभग पूरा हो गया, ते जिहड़ा साडा स्टाफ हैगा जिहड़ियां क्वालिटी सर्विसिज हैगियां उन्हां दे प्रति बहुत ही सुचेत हैगा। असीं मैं उन्हां नाल गल भी कीती आ ते जाके सर्विसिज भी वेखियां, कोई थोड़ियां बहुत कमियां हैगियां वो एस एम ओ साहब दे ध्यान विच लिया दित्तियां गईयां, नाल साडे डी एम सी साहब भी सीगे उन्हां भी ध्यान च लिया दित्तियां, उन्हां नूं भी छेती पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रभु श्री राम जी के भक्तों के लिए अयोध्या में श्री राम लला के दर्शनों हेतु स्पेशल आस्था ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके चलते अमृतसर से अयोध्या के लिए भी ये स्पेशल आस्था ट्रेन चलाएगी, जो कि अमृतसर से चलकर जालंधर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां पर भी असंख्य राम भक्त प्रभु श्री राम जी के दर्शनों के लिए इस ट्रेन के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना हुए। तो वहीं भक्तों द्वारा इस ट्रेन के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने कहा कि 500 वर्षों के बाद उनका ये सपना साकार हुआ है और वे इस ट्रेन के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार व पंजाब सरकार का आभार भी व्यक्त किया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लला दे दर्शन करवाण वास्ते आस्था स्पैशल ट्रेन जिहड़ी है जलंधर कैंट दे विच पहुंच चुकी है। तस्वीरां ही तुसीं देख सकते हो कि जलंधर कैंट जिहड़ा हैगा, जिहड़े श्रद्धालु आस्था ट्रेन दे विच जा रहे गलबात कर रहे। मैडम अज राम लला दे दर्शन करने लई तुसीं जा रहे हो? बिल्कुल, राम जी की बहुत कृपा हुई है हम सब पे, जो उन्होंने हमें ये हम रामा मंदिर से हैं जलंधर से, और हमारे बहुत अच्छे भाग्य हैं कि हम राम लल्ला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। ट्रेन है, हम जा रहे हैं जलंधर कैंट से जा रहे हैं श्री राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए। तुसी देख सकते हो श्रद्धालुओं के बीच बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है राम लल्ला के दर्शन करने वास्ते। जय श्री राम दे जिहड़े आ जयकारे जिहड़े हैगे आ लगाए जा रहे ने, फुल्लां दी बरखा की करके जिहड़ी आ श्रद्धालुआं नूं इत्थों जिहड़ा रवाना कीता जा रिहा। तस्वीरां तुहानूं एक वारी फिर जलंधर कैंट दीआं दिखा दिंदे, जिथे फुल्लां दी वरखा करके इस ट्रेन दा स्वागत कीता गया और फुल्लां दी वरखा करके इस ट्रेन नूं इत्थों जिहड़ा रवाना कीता जाएगा। जलंधर कैंट दीआं आस्था स्पैशल ट्रेन है जिहड़ी केंद्र सरकार वल्लों जिहड़ी आ शुरुआत कीती गई है। हाँ जी, बहुत तुसी देख रहे हो कि पूरा जो स्टेशन ते माहौल राममय बनया होया है, और ये सारा कुछ जो भारतीय जनता पार्टी दी देन है, और आज बहुत ही खुशी दा ये एक पल है जो तुसी देख रहे हो, सब राममय राममय ही हो रहा है। राम भगत काफी लंबे समय तो इंतजार भी कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इंतजार खत्म हो गया, हुन वो दर्शन करन जा रहे हैं, और बहुत सौभाग्य की बात है श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भारतीयों के लिए इससे ज्यादा खुशी का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। वो जैसे कि बोला है कि बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में होना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बिनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही, मर्यादा में रह करके ही मंदिर हम बनाए हैं। निराधार हुए जब तर्क सभी, तभी राम घर आए हैं, तभी राम घर आए हैं। जय श्री राम। जलंधर कैंट स्टेशन है जिथे राम और सारे राम भक्तों नूं वधाई और शुभकामनावां दिंदा जिहड़े अज अयोध्या जी लई इत्थों दर्शन करन लई जा रहे हैं, और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करदा कि उन्होंने आस्था वर्गी ट्रेन जिहड़ी लोगों नूं राम जी दे दर्शन करवाउण दे लई उपलब्ध करवाई है, और जलंधर च बड़ा जोश है, सारे राम भगत भजन गा रहे हैं प्लेटफॉर्म के उत्ते और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और उन्होंने मनोकामना जिहड़ी कि सैकड़ों साल उन्होंने मन च सी जिन्होंने उन्होंने अपने इस जीवन के प्राप्त किया, कई संघर्ष होए और मंदिर जी दे और प्रभु राम जी के अयोध्या च आके सीधे साक्षात दर्शन करेंगे। 500 साल के समय तो बाद अज मौका मिले सारियां नूं राम लला के दर्शन करने लई, और तुसी देखिया ही है कि आज पहली ट्रेन जी पठानकोट तो चल के जलंधरों जा रही है, भगतों के कितना उत्साह है। जिदा साडे प्रधान जी ने दसिया कि जिहड़ा स्टेशन है वह राममय हो गया है, और इन्ना जोश देखो तुसी बुजुर्ग महिलावां बच्चे जवान बुजुर्ग सब इस वेले चाहते हैं कि असी राम लला दे दर्शन करिए,
और हाँ ट्रेनों का जिहड़ा सिलसिला है आ पूरे देश दे विच चल रहा और जलंधर तो पहली चली है, आने वाले समय जलंधर तो और भी ट्रेना चलनिया वा और इन्ना जोश लोगों के राम लला नूं लैके है, इन्ना उत्साह है और कई अखां दे विच अंजू हन कि 500 साल के इंतजार के बाद कि वह इस युग दे विच जी रहे हैं जदों कि राम लला जी अयोध्या दे विच विराजमान होए। 500 साल तो जिहड़ी कि सनातनियां नूं इंतजार सी वी प्रभु श्री राम दा मंदिर बने, सो अज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह उपराला पूरा किया है, सो पूरे हिंदुस्तान की जनता पूरे हिंदुस्तान के सनातनी अज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। सो अज जलंधर कैंट चों एक विशेष ट्रेन जिहड़ी केंद्र सरकार ने अयोध्या श्रद्धालुओं लिए चलाई है, असी रेलवे दा नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हाँ भी उन्होंने अयोध्या यात्रा करन दे लई विशेष ट्रेन चलाई है। सो जलंधर के अंदरों साढ़े जिला जलंधर चो 518 श्रद्धालु जोड़े है वो श्री अयोध्या जी जा रहे हैं जी। बहुत बड़ा उपराला है कि भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लोग जोड़े है उमड़ के जा रहे हैं अपने आप, तो सो सारियां नूं अज असी मंगल कामना करते हैं कि भगवान राम जी की कृपा अनुकंपा सारे ते बनी रहे। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में पहली प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा स्थित ओम प्रकाश हलवाई के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां ओम प्रकाश के पारिवारिक सदस्यों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उप प्रधान राकेश लोच, उप प्रधान प्रदीप कुमार थापा, अनुराग खिंदर, उप चेयरमैन स्वर्ण यादव, सचिव सतपाल पाला, महेश अंगुराल, ओम प्रकाश लोच, तरसेम लाल करलुपिया, मदन लाल वसन, चमन लाल, राजकुमार जस्सम, रमेश कुमार, दीवान चंद, अमरनाथ भंडारी, बलबीर लोच, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, रानी लोच, उषा लोच, सुमन लोच, राजरानी खिंदर, बेबी डालिया, शोभा मीनिया, सावित्री देवी, कौशल्या बब्बो, अरुणा लोच सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सतगुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश उत्सव के संबंध में अज की पहली प्रभात फेरी श्री गुरु रविदास मंदिर तो निकल जा रही है, जिसका आगाज साढ़े गुरु घर के प्रधान मानयोग श्री मदन लाल खिंदर जी, उन्होंने बेटे अनुराग खिंदर जी और विशाल खिंदर जी, इन्होंने गुरु महाराज के आशीर्वाद सदका रिबन कट के अज की प्रभात फेरी का आगाज किया है। सो मैं महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारिया साध संगत को सारे इलाके सारे हिंदुस्तान वासियों लख लख बधाई देना, लख लख बधाई। श्री गुरु रविदास महाराज जी के जो 647वां प्रकाश उत्सव आ रहा है उसके आरंभ के विच अज श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा महला प्रभात फेरी का आगाज किया गया है, जो कि मेरे पापा जी मंदिर के प्रधान मदन लाल खिंदर उन्होंने गाइडलाइन के नाल ही सारा आरंभ होया है। यह जो प्रभात फेरी है 22 फरवरी तक चलेगी पूरे ही दानिशमंदा के जगह जगह अलग अलग घर जो भी गुरु महाराज जी के जो श्रद्धालु है नामदेव ने उन्होंने घर जाके पूरा ही नगर कीर्तन बड़ी ही धूमधाम के नाल 22 फरवरी तक होएगा। तो गुरु महाराज जी का जो प्रकाश उत्सव 2 फरवरी को आ रहा है उसकी भी सारे ही लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। मैं सारी ही संगत को आज के दिन की जो शुरुआत हो रही प्रभात फेरी की लख लख मुबारक देना। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਾਜੀ ਜੋ ਲਈ ਸੋ ਲੜਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਸੋ ਲੜਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਟਕਰਾ ਮੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਜੋ ਮਦਰਾਜ ਚਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਨੁਰਾਗ ਚਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁਆਏ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾ ਪਾਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਟੜਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਟੜਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਟੜਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਧਰਨਾ ਦਲ ਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਲੀਆ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਂ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਡਾਲੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਮੇਂ ਸਕੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਕਵਿਸ਼੍ਰੀ ਗਾਇਨ ਕੀਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਓਂ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੋ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੇਂ ਸਕੂਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵ ਤਰਨਾ ਦਲ ਕੇ 16ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਧਰਨਾ ਦਲ ਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਨਏ ਸਾਲ ਕੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਡਾਲੇ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੈਨ ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਮਿਗਲਾਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਅਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਭੀ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੁਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਓਂ ਕੀ ਮਾਡਲਸ ਕੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲੇਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਐਂਟੀ ਸਲੀਪ ਲਾਮ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖਣ ਸਕੈਨ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਰੱਖਾ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ CBSE ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ
16वें मुखी जथेदार सिंह सभा बाबा जोगा सिंह जी की रहनमई हेठ चल रही संस्था श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मलिया विखे अज सलाना प्रोग्राम कराया गया, जिस विच गुरु साहब ने परसों रोज तो अपने चरण पा के श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। उपरंत बच्चों ने कीर्तन किया, माता पिता ने आके सहयोग दिता, बाबा जी आए, होर पतवंते सज्जन आए। इसका एको एक मनोरथ से कि बच्चे जोड़े सलाना इम्तिहान हो रहे हैं, बच्चे चढ़ती कला हासिल करन, उन्होंने चंगे नंबर आन, वो बुलंदियां छून। माँ मंगला मुखी जी के सिद्ध स्थान माँ मंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौंक में माँ मंगला मुखी जी के नियमित श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ मंगला मुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान अभिलक्ष्य चुग से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में मां बंगला मुखी जी के निमित्त मालह मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहूतियां डलवाई। वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहूति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए माँ भक्तों को सुमधुर स्वर में भजनों का गायन कर उपस्थित माँ भक्तों को निहाल किया। तो वहीं नवजीत भारद्वाज जी ने प्रभु भक्तों को धर्म ध्यान व आत्मा के बारे में व्याख्यान करते हुए कहा कि जीव की जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान होता है वैसा ही पुरुषार्थ होता है, इन्हें जीव को अपने आचरण में उतारना चाहिए। नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार प्रकट करते हुए आगे कहा कि समय का उपयोग करो और पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही होगा। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, समीर चोपड़ा, रोहित भाटिया, एडवोकेट राजकुमार, अमित कुमार, निर्मल शर्मा, श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, पूजा सरोज बाला, अमरजीत सिंह, सौरभ अरोड़ा, केविन शर्मा, नवदीप उदय, अमन सुखा, अजीत कुमार, मनीष कुमार, संजय अरोड़ा, नवीन, अश्विनी शर्मा, धूप वाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरिंदर शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, अनुज शर्मा, मनीष लूथरा, रिंकू सैनी, श्यामलाल अभिलक्ष्य चुग, सुनील राजीव, मनवीर सिंह, अवतार सैनी, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, राजन शर्मा, गुरमत सिंह, गौरी, केतन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, अजीत साहू, प्रवीण, अभिषेक बनोट, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, मनी सिंह, ब्रजेश कुमार शर्मा, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से अंचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज मां बगला मुखी जेड़ी की शक्ति दी देवी है और महामाई अपने भक्तों नु अभय प्रदान कर दी है। जगदंबा दी कृपा दे नाल आज जिहड़ा सप्ताहिक निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन सीगा ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਮਾਈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਰਨ ਮੋਹਨ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਚਾਟਨ ਕੀਲਨ ਵਿਦਵੇਸ਼ਨ ਸਤੰਭਨ ਦੀ ਅਧਿਸ਼ਟਾਤਵੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਾਚਰ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ 7:30। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਗਣ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਧਾਮ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਓ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ।
शिव शक्ति योग मिशन जालंधर छावनी की ओर से बाबरी धर्मशाला जालंधर छावनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी आत्मानंद गुरुजी महाराज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को सही ढंग से जीना सिखलाती है और ज्ञान तथा धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। इस मौके पर मंच संचालन प्रोफेसर अनूप वत्स ने किया। इस मौके पर संजीव गोयल, सतीश मंगल, चिराग मंगल, अनिल कुमार, नरेश गुप्ता, तरुण शर्मा, सुनील अग्रवाल, मनमोहन शर्मा, सतीश गोयल, वरुण शालू, रितु, शीला देवी, कंचन गोयल, आदेश गर्ग, राम अवतार, दीपक शर्मा, मोनिका शर्मा, कनिष्क अग्रवाल, कनु, राजेंद्र बांसल, नितिन गोयल, डॉक्टर शालिनी पॉल, बबलू, सुनंदा, नरेश कुमार, मंजू, महेश कुमार, बिट्टू कश्यप सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। पर तुम फिर से अपने लोग तो वापस आ जाओ। आज वो समय आ गया, भगवान ने अपने हाथों से उन दोनों का उद्धार किया। उन दोनों ने एक बहुत अच्छी स्तुति की, बहुत अच्छी स्तुति है। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि वाणी शक्ति योग मिशन जलंधर छावनी द्वारा मत भागवत गीता जलंधर कैंट में करवाई जा रही है। आज भागवत का पांचवा दिन है। आज गोवर्धन पूजा और 56 भोग का प्रसंग है। आप सभी कैंट वासियों से, सारे जलंधर वासियों से निवेदन है, सभी से निवेदन है, आप जलंधर कैंट में बाबरी धर्मशाला में यहाँ पर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त। भागवत गीता का जो उपदेश है महाराज एक यार आठ आत्मानंद पुरी जी, जिनका जन्म उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में शिव शक्ति योग मिशन की तरफ से बावड़ी धर्मशाला में पिछले 5 दिन से की जा रही है। आज 56 भोग का उत्सव मनाया जा रहा है और मैं छावनी वासियों को सबको कहता हूँ, ठीक 4 बजे यहाँ आकर गीता का उपदेश लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। शक्ति योग मिशन जालंधर छावनी की ओर से बाबरी धर्मशाला जालंधर छावनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मिशन के सदस्यों की ओर से सावित्री शर्मा को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अहम योगदान व कार्यों को लेकर मां सरस्वती अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सावित्री शर्मा ने उन्हें ये सम्मान देने पर सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। इस बार जालंधर छावनी में जो श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन शिव शक्ति योग मिशन द्वारा किया जा रहा है, उसमें एक अनूठी पहल करते हुए जालंधर छावनी में ऐसी प्रबुद्ध शख्सियतों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने जालंधर छावनी की लंबे समय तक अपने अपने क्षेत्र में सेवा की है। इस अवार्ड की जो श्रृंखला है उसका श्रीगणेश किया गया डॉक्टर शालिनी पाल को सम्मानित कर नारी शक्ति सम्मान से, और उसी श्रृंखला में आज जो दूसरा अवार्ड दिया गया है वो सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है श्रीमती सावित्री शर्मा जी को, जिन्होंने लंबे समय तक एनडी विक्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी सेवाएं दी बतौर अध्यापक, और उससे भी बड़ी बात कि रिटायरमेंट के बाद लगभग 18 वर्षों तक अवैतनिक सेवाएँ देकर जालंधर छावनी के बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका सफल जीवन जी जांच सिखाने का एक बहुत अभिनव अनूठा प्रयोग किया गया है। स्कूल की बिल्डिंग की रखरखाव के लिए और स्कूल के ज़रूरी खर्चों के लिए लगभग 80 लाख रुपए का जो है डोनेशन भी है उन्होंने अपने पूर्व छात्रों से एकत्रित कर जालंधर छावनी के
विद्यार्थियों को जलंधर छावनी के आसपास के इलाके के लोगों को, गरीब खासकर तबके के जो विद्यार्थी थे उनको पढ़ाने लिखाने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और इस करके आज इनको सम्मानित करते हुए पूरी जलंधर छावनी की जनता की ओर से मैं इनको बधाई देता हूँ, और हम इस अवसर पर इनको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज से मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान उन लोगों का है जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए बहुत मदद करी। मैं अपना जो ये जो उपहार है, ये जो मिला है, ये उनको भी देती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे हेल्प ना करते तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाती। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर अहोभाग्य समझती हूँ कि आज अनूप जी आए और उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कोहली अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म क्रिया श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल चालंदर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित गणेश राम ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राजकुमार कोहली की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, बलदेवानंद, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी, सुनील अरोड़ा, वरुण मदान, राजू शर्मा और पारिवारिक सदस्यों में समधी बलदेवानंद, पूनम आनंद, सनी आनंद, तनु आनंद सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राजकुमार कोहली को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जहां भी रस्म क्रिया होती है ये दुआ बोला जाता है, कबीरा जब हम आए जगत में, क्या हम संसार में अपनी मर्जी से आते हैं? नहीं आते, सांस अपनी मर्जी से ले नहीं सकते, हृदय धड़का नहीं सकते, वरना क्यों मरे? यमराज लेने आए, हम सांस लेते रहे तो कैसे मर सकते हैं? ना हम अपनी मर्जी से आते हैं, ना हम अपनी मर्जी से जाते ही है। पिछले जन्म में फेल होकर चले गए, पिछले मन में मन अधूरा ही रह गया, यह अधूरा मन फिर से शरीर धारण करता है और उसे
ईश्वर को सक्रिय करने के लिए आना पड़ता है, उसमें वो परमात्मा भीतर कैद है, गुलाम है, हम उसे भूल चुके हैं। कल्ले आरे नाम का सदैव बजाय, अर्थात परमपिता परमात्मा इंसान नूं जद इस दुनिया में भेजे ने, एक लंबी सांसा की माला उन्होंने गले में पा के संसार भेजे ने। जिवें आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती जाती है, सांसा की जो माला है घटती चली जाती है, तो जि माला खत्म होती है तो कहते ने इंसान पूरा हो गया है। आज साढ़े बीच मेरे छोटे वीर राजकुमार कोहली जी, जो इस संसार को अपने परिवार को विछोड़ा देकर चले गए हैं, उन्होंने अज रसम खाना के बीच सानू कुछ शोक प्रस्ताव आए हैं। दैनिक सवेरा तो श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री शीतल बिंद जी, उन्होंने परिवार वालों सानू शोक प्रस्ताव आया है। श्री देवी तला मंदिर तो शीतल बिंद जी, रजेश बिंद जी, भविंदर बहल जी तो उन्होंने पूरी टीम, उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। कांग्रेस के उगे लीडर मेरे छोटे वीर रजिंदर बेरी जी, इस उन्होंने वालों भी प्रस्ताव है। अमरजीत सिंह जी अमरी, उन्होंने वालों भी वो खुद पहुँचे थे और इस मौके पर परिवार को करण जी जो कि राजकुमार कोहली जी सपुत्र ने, उन्होंने भी उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हर वेले उस साथ खड़े हैं। जो पाठ इस परिवार को होया है वो पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी और सारे समाज के जो बंदे इतने बैठे ने उन्होंने वालों आश्वासन है उन्होंने कि इस बच्चे के सिर पर सारे ही असं इन्होंने सहयोग करा और बच्चे सिर पर मेरे पर हाथ रखेंगे। मैं अपने आप में हाले तक भी संभाल पाया और हाले भी बोलने की मैं हालत च नहीं हाँ, लेकिन उन्होंने वास्ते वो कोहली साहब जेडे मेरे बहुत प्यार करते सन, बड़े नेक इंसान सन, तो शायद परमात्मा भी नेक इंसान की ज़्यादा लोड़ है। तो इस करके मैं उन्होंने यादा होर तो कुछ नहीं कह सकता, पर यही कहूँगा दीप राज की यादों के यू ही जलेंगे, जो पिछड़े हैं इस दुनिया से वो जन्नत में नहीं बोल पाया। मैं वास्ते आए हुए सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संयुक्ता जैन गत दिवस काल धर्म को प्राप्त हो गई थी। स्वर्गीय संयुक्ता जैन की आत्मिक शांति हेतु रखी गई शोक सभा एवं रस्म पगड़ी कपूरथला रोड स्थित जैन भवन जालंधर में संपन्न हुई। इस अवसर पर रोहित अग्रवाल, दर्शित जैन, मुस्कान जैन, अपन जैन, सतपाल जैन, राहुल जैन, विमल प्रकाश जैन, अरुण जैन, सुरेंद्र जैन, पुनीत जैन, कुलभूषण जैन, प्रदीप जैन, श्रेयन जैन, रविकांत जैन, कोमल जैन, कविंदरशील जैन, पविंदर जैन और पारिवारिक सदस्यों सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय संयुक्ता जैन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। नमो लोए सब साहूनं एसो पंचे नमो कारो सब पाव पणसनो मंगलाण चे सबे सिंह परमं हवई मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोए सब साहूनं एसो पंचे नमो कारो सब पाव पणसनो मंगलाण चे सबे सिंह परमं हवई मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोए सब साहूनं एसो। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने खुद को निगम अधिकारी बताकर बिल्डिंग मालिक से पैसे वसूलने वाले चार लोगों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग में मारे गए नौजवानों के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल, पारिवारिक सदस्यों के साथ किया दुख साझा।
नाबालिग कैदियों और बंदियों की पहचान के लिए जिला सेशन जज अमृतसर ने किया जेल का दौरा। कैंटीन व कैदियों को दिए जाने वाले खाने का भी लिया जायजा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।